हाय, दिस इज सविता शर्मा। आज के वीडियो में हम DC 1 का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, दिसंबर 2022 का। तो कंप्लीट क्वेश्चन पेपर शो करूंगी इस वीडियो में और साथ में ब्रीफली डिस्क्राइब करती हुई चलूंगी ईच क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन पेपर काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपकी DC के एग्जाम्स के लिए, प्रिपरेशंस के लिए। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ ही बेल आइकन को ऑन करें, जिससे कि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, सबसे पहले जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, ये प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। शेष में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मीन्स टोटल आपके 5 क्वेश्चंस होंगे, 5 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। फर्स्ट तो करना ही करना है, बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनमें से 4 सेलेक्ट करना आपने, और जिनके भी सेक्शंस हैं जैसे क ख दोनों ही लेना होता है, ठीक है। एक को छोड़ना है, ऐसे नहीं करना है, क ख दोनों ही लेना है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, आप किसी शाला पूर्व केंद्र के प्रवक्षक हैं और शाला पूर्व शिक्षिका द्वारा बच्चों के लिए बनाई गई क्रियाओं की साप्ताहिक अनुसूची उचित है या नहीं, इसका मूल्यांकन करते समय आप किन बातों का या पहलुओं को ध्यान में रखेंगे। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें काफ़ी मटेरियल डालना होगा, क्योंकि 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आप पहले पाठ्यचर्या की इसमें इम्पोर्टेंस बता सकते हैं, जैसे कि हम साप्ताहिक अनुसूची क्यों बनाते हैं, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। इस पर आप काफ़ी लंबी चौड़ी एक भूमिका सी टाइप सी दे दें, क्योंकि ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन तो लंबा आपने लिखना है। तो आप बताएं कि पाठ्यचर्या की जो साप्ताहिक अनुसूची होती है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। इससे हमें जो हमारी क्रिया है उसको एक लक्ष्य मिलता है, उसकी एक दिशा मिलती है, और क्रियाओं की स्पष्ट रूप से पता चलता है कि क्रियाएं किन किन योग्यताओं को, कौशलों को प्रोत्साहित करता है। इस तरह से आपने मतलब पहले पूरी पाठ्यचर्या की जो आपकी विशेषताएँ होती है ना साप्ताहिक अनुसूची की, वो आपने बतानी है। उसके बाद आप बताएँ कि आप किन किन चीज़ों को ध्यान से इसमें देखेंगे। तो क्या चीज़ है जो आप देखेंगे इसमें, एक प्रवेक्षक के नाते आप शिक्षिका द्वारा तैयार की गई साप्ताहिक अनुसूची को में क्या क्या चीज़ आप देखना चाहेंगे। तो इसको लिखिए, आपकी सबसे पहले तो देखेंगे कि उसने विकास के किस किस क्षेत्र को छुआ है अपने साप्ताहिक अनुसूची के द्वारा, और इसमें कौन कौन से लक्ष्य स्पष्ट हो रहे हैं, दीर्घकालीन लक्ष्य, क्योंकि साप्ताहिक अनुसूची है। तो साप्ताहिक मतलब पूरे 7 दिन का आपका अनुसूची है, तो दीर्घकालीन लक्ष्य कौन कौन से प्राप्त हो रहे हैं तो ये भी आपने लिखना है। अल्पकालीन लक्ष्य कौन कौन से प्राप्त हो रहे हैं वो भी लिखना है। विकास के कौन कौन से क्षेत्र विकसित हो रहे हैं, ये सभी चीज़ें आपने पढ़नी है। डिटेल में आपने पूरा इसको पढ़ना है, इस क्वेश्चन को, और इस तरह से आपने इसको लिखना है। बाहरी और भीतरी खेलों का समन्वय रखा है या नहीं रखा है शिक्षिका ने साप्ताहिक अनुसूचियों में, बच्चों के आराम का ध्यान रखा गया है कि नहीं रखा गया है, ठीक है। व्यक्तिगत और सामूहिक खेलों में समन्वय बना के रखा है कि नहीं रखा है अपनी साप्ताहिक अनुसूची में, तो ये सब चीज़ों का आपने देखना है। ये सब चीज़ें हम लोग जो है पहलुओं को ध्यान में रखेंगे। इस तरह से फिर लास्ट में निष्कर्ष भी देना है। देखिए, जो लॉन्ग क्वेश्चंस है उसमें मैं टिप देती हूँ कि जो क्वेश्चंस हैं उसको आप थोड़ा सा मतलब लाइंस वगैरह छोड़ के, प्रॉपर गैप दे के, भूमिका अलग से, हेडिंग्स अलग से, और लास्ट में निष्कर्ष दे के इसको थोड़ा सा लॉन्ग बनाने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि मटेरियल तो आपके पास उतना ही होगा जितना लिखना है, बट उसको आप लॉन्ग लुक दे सकते हो। लुक देना आपके हाथ में है स्केचेस का यूज़ करके प्रॉपर, और मेनली आप उसमें लाइंस छोड़े प्रॉपर अच्छे से लिखें। तो ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और ये भी काफ़ी ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही है, विकास के किस क्षेत्र को बढ़ावा देती है खेल क्रियाएं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आता है, इसमें 5 मार्क्स आपके हाथ में अगर आप लिख देते हो। जैसे कि उदाहरण के लिए, बाधाओं के ऊपर से लांगना, तो बाधाओं के ऊपर जंप कर रहे बच्चा, तो स्थूल क्रियात्मक विकास एक एग्जाम्पल आपको दे दिया है। इसके बाद आपने ये 5 बताने हैं। बाल कविताएँ गा रहा है बच्चा, तो उसके लिए उससे कौन से विकास के क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है। बाल कविताएँ से आपका भाषाई विकास हो रहा है उसका, साथ में संज्ञात्मक विकास भी हो रहा है क्योंकि कविता याद रख रहा है। वो तार में मोती फिरोलना सूक्ष्म क्रियात्मक विकास है। मित्र के साथ खेलना सामाजिक विकास है। समान रंग के कार्डों को मिलाना संज्ञात्मक विकास है, मिलान की क्रिया। ड्राइंग बनाना सामाजिक और संज्ञात्मक दोनों ही है क्रियात्मक, ठीक है। तो इस तरह से आपने बताना है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसमें लिखा है, नवजात असहाय होता है और जन्म के बाद नए परिवेश में समायोजन करने की उसकी जो योग्यता होती है ये उसमें नहीं होती है,
ठीक है, ऐसा लिखा गया है। तो क्या आप इस कथन से सहमत है, उदाहरण के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। 10 मार्क्स क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो नवजात जो है असहाय होता है, ऐसा आप मानते हैं? बिल्कुल भी नहीं, नवजात असहाय नहीं होता है, जन्म के साथ ही उसमें बहुत सारी योग्यताएँ लेके वो जन्म लेता है। और तो इस कथन से आपने लिखना कि नहीं, हम इस कथन से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, क्योंकि जो नवजात होती है उसमें बहुत सारी योग्यताएँ होती है, जैसे कि क्रियात्मक योग्यता। सबसे पहले आप क्रियात्मक योग्यता देंगे। क्रियात्मक योग्यता में जैसे कि हम बच्चा जब जन्म लेता है तो हम उसके पास जैसे ही कुछ भी सामान ले हाथ लेके जाते हैं, उंगली लेके जाते हैं, तो उस तरफ से अपना मुंह मोड़ने की कोशिश करता है। इसके अलावा उसके अगर होंठों को हम छूते हैं तो वो अपने होंठों को खोलेगा और कुछ भी मुंह में चूसने की कोशिश करेगा। इसके अलावा वो अपना ध्यान जिधर जिधर उसके मतलब आप आवाज़ करोगे उस साइड को वो अपना ध्यान देगा। तो मतलब ये बच्चे की योग्यताएं। इसके अलावा उसमें जो है संवेदी योग्यताएं होती है, बहुत सारी संवेदी योग्यताएं होती है, जैसे कि दृष्टि संवेदना देखता है, श्रवण संवेदना, स्वाद संवेदना, स्पर्श संवेदना, ये सारी संवेदनाएँ लेकर बच्चा जन्म लेता है। तो ये सब कुछ आपने डिफाइन करना है 10 मार्क्स में। इसके अलावा क्वेश्चन है, शाला पूर्व बच्चे के संदर्भ में अहम केंद्रता और संरक्षण शब्द को उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसमें आप दे सकते हैं, अहम केंद्रता में क्वेश्चन में आप, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अहम केंद्रता से क्या मतलब है, अहम केंद्रता को पहले आप डिफाइन कीजिए। अहम केंद्रता से मतलब होता है कि हम जब समाज में रहते हुए दूसरे की नज़र से चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, दूसरों की नज़रिए से चीज़ों को देखना, मतलब दूसरों को दुख हो रहा है तो हमें भी फील होना चाहिए, इस तरह से दूसरों की नज़र से चीज़ों को देखना। ठीक है, जैसे कि एक चेयर है, चेयर के अलग अलग साइड्स है, तो मेरी साइड से चेयर किस तरह दिख रहा है और कोई और किसी और साइड पर बैठा होगा तो उसको चेयर किस तरह से दिख रहा है, तो ये अलग है दूसरे की नज़र से देखना। जबकि जो बच्चा होता है शाला पूर्व बच्चे जो होते हैं, तो इसमें पीजे ने बताया था कि जो ये योग्यता होती है बच्चों को दूसरों की नज़र से देख पाना, अभी पूर्णतः से विकसित नहीं हुई होती है शाला पूर्व वर्षों में। जबकि जो बच्चा 5 ईयर्स से अबव होगा उसको ये चीज़ें दूसरों की नज़र से समझ आती हैं। तो इसको उन्होंने दिया था अहम केंद्रता का नाम, दूसरों की नज़रों से देख पाने की योग्यता। ठीक है, तो जो शाला पूर्व बच्चे होते हैं वो चीज़ों को पूर्णतः से अपनी ही नज़र से देखते हैं। मतलब देखो, अब कुर्सी का उदाहरण दे के आप इसमें उदाहरण भी बुलाए देने के लिए उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। तो इसके लिए जो अनुसंधान किए गए थे पीजी के द्वारा, उसमें उन्होंने बताया था कि 4-5 बच्चों के ग्रुप को बिठा दिया गया था और एक सामने एक चीज़ रखी गई थी, तो थ्री डायमेंशनल पहाड़ रखा गया था और उसको दिखाया गया था कि अलग अलग तरीके से वो किस तरह से दूसरों की नज़र से देख सकते हैं या नहीं। तो उसमें ये आया था कि जो बच्चे शाला पूर्व बच्चे हैं वो, उनको चाहे आप कुछ भी मतलब साइड दिखा दो, उनके लिए एक बराबर है सारे साइड्स। ठीक है, तो मतलब दूसरों की नज़र से वो इस समय नहीं देख सकते, जबकि जो दूसरा बच्चा होगा, बड़े एज का बच्चा, उम्र का बच्चा होगा, वो समझ सकता है इस चीज़ को। तो ये वाला आपने इस तरह से इसको अच्छे से पढ़ना है। समाजीकरण शब्द से आपका क्या अभिप्राय है, वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन मुझे किसी ने कमेंट करके बताया था कि जो तीसरे का क क्वेश्चन है, इसको आप मैम जरूर बताएं, इसको समझाएं। तो समाजीकरण शब्द से क्या अभिप्राय है, वर्णन कीजिए। समाजीकरण 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है, इसमें आप लॉट ऑफ थिंग्स डाल सकते हैं, जैसे कि सामाजिक होना। तो जैसे ही बच्चा होता है समाजीकरण के लिए, उसका जो बच्चा जब बच्चा पैदा होता है तो वो जैविक रूप से मतलब एक प्राणी होता है, उसमें सामाजिक गुण नहीं होते हैं। ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है जन्म के समय वो केवल जैविक गुणों वाला एक प्राणी होता है, उसमें सामाजिक गुण नहीं होते, बल्कि धीरे धीरे जब वो समाज में रहता है तो समाज के नियम वो सीखना शुरू करता है। इसके लिए सबसे पहले जो है उचित व्यवहार सीखता है वो, और उचित व्यवहार उसको माता पिता के द्वारा सिखाया जाता है, आसपास से अन्वेषण करके वो देखता है। ठीक है, और इस तरह से वो सामाजिक होना सीखता है। उचित व्यवहार सबसे पहला जो आपका उदाहरण है, सबसे पहला कारण है जिससे कि वो उचित व्यवहार से सामाजिक होता है। ठीक है, और सामाजिक होने में बहुत सारी भावनाएं आती है, और इसमें आपने 5 मार्क्स में छोटा सा ही देना है इसको, सामाजिक होना। ठीक है, और जिसमें मतलब बच्चे का, इसमें आपने ये भी दे सकते हो कि बच्चे का जो व्यवहार है किस तरह से बदलता है, जब उसमें आत्मविश्वास होता है ना, तो वो उसका व्यवहार भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाता है। आत्मविश्वास और सकारात्मक चीज़ें उसको सामाजिक होने में काफ़ी हेल्प करती है, तो इस तरह से आप दे सकते हैं। और नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं, अनुशासित करने की स्नेह केंद्रित शैली की विशेषताओं का। नेक्स्ट, फिफ्थ, कौन सा क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ। ठीक है,
विशेषताओं का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए और बच्चे के व्यक्तित्व पर इस शैली का प्रभाव बताइए। स्नेह केंद्रित शैली, जो माता पिता के अनुशासित करने की शैली है वो वाला क्वेश्चन आप इसके लिए देख सकते हैं। तो इस शैली का जो स्नेह केंद्रित शैली है इसका क्या प्रभाव पड़ता है? स्नेह केंद्रित शैली का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बच्चा काफ़ी कुछ सीखता है क्योंकि बच्चा जो माता पिता है उसको अनुशासित करने के लिए स्नेह के साथ उसका व्यवहार करते हैं, स्नेह के साथ हर चीज़ समझाते हैं, तो इसके व्यक्तित्व पर उसका बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस तरह से आपने इसका देना है। उसके बाद देखिए इन चीज़ों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कूजन करना और बबलाना, तार भाषा, निजी भाषा, पठन पूर्व कौशल, बहुत ईजी है। दो दो नंबर के हैं ये, पाँच आपके हैं 5 to 10, तो 10 मार्क्स का ये टोटल बनता है। इनको आपने डिफाइन करना है, कूजन करना, निजी भाषा, तार भाषा, ठीक है, पठन पूर्व कौशल बहुत ईजी है और ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे 5 तरीके बताओ जिनके द्वारा पालनकर्ता बच्चे के जीवन के प्रथम 6 वर्षों में भाषा अर्जन में मदद कर सकते हैं। तो प्रथम 6 वर्षों में भाषा के लिए क्या कर सकता है बच्चे को? माता पिता हमेशा जो है बातचीत उनके साथ करते रहें, माता हमेशा बातचीत करते रहे, ऐसा ना सोचे कि बच्चा अभी छोटा है, अभी कुछ भी नहीं समझ सकता है, तो उसके साथ बिल्कुल बात ना करे, गलत है। बच्चे के साथ हर वक्त बात करनी पड़ती है। उसके बाद हमें हमारे जो समाज है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे बोलियाँ हैं, लोरियाँ हैं, हर चीज़ के लिए लोरियाँ हैं, आप नहलाते वक्त लोरियाँ का यूज़ कर सकते हैं, उसको खेल खिलाते वक्त, खाना खिलाते वक्त, है ना, तो इन सब चीज़ों का हम प्रयोग करके भाषा अर्जन करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा बाहर ले जाके बच्चों को हर चीज़ दिखाएं, पेड़ पौधे, गाड़ियाँ, ये आवाज़ें हैं, इस तरह से मतलब बच्चों के साथ एक्टिवेट रहना चाहिए। ये सब चीज़ें भाषा में मदद करती है, ठीक है। शाला व केंद्र के संदर्भ में खोज के क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? मैं जल्दी जल्दी आपको डिफाइन कर रही हूँ क्योंकि जो वीडियो है लॉन्ग बन जाता है और फिर लॉन्ग वीडियोस स्किप करके देखने पर इसका जो है वॉच टाइम नहीं आता, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपको कंप्लीट इनके आंसर्स चाहिए तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट को चेक करें, प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट आंसर्स मिल जाएंगे विद हैंड रिटन इजी नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, सभी क्वेश्चंस के मिल जाएंगे आपको। शाला पूर्व केंद्र के संदर्भ में खोज के क्षेत्र से क्या अभिप्राय है और बच्चों के सीखने में यह किस तरह से योगदान देते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने काफ़ी टाइम ये अटैम्प्ट किया है क्वेश्चन। तो इसमें खोज के क्षेत्र से क्या अभिप्राय, बच्चे कुछ ना कुछ हम सोचते हैं खेल रहे हैं, बट बच्चे खेल नहीं होते, कुछ ना कुछ वो मतलब सीख रहे होते, खोज कर रहे होते, इन्वेंशन कर रहे होते और इसी के साथ वो सीखते भी रहते हैं। बच्चे काफ़ी कुछ सीखते हैं अपना खेलते समय, ठीक है। तो इस तरह से आप देंगे इसमें। नेक्स्ट स्टेप का ख, प्रभावी रूप से सीखने में बच्चों की मदद के लिए आप प्रश्न पूछने की कार्यनीति का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। प्रश्न पूछना की कार्यनीति का बहुत बेहतर तरीके से हम बच्चों को सीखने में मदद कर सकते हैं क्योंकि जैसे बच्चे प्रश्न पूछते हैं ना उससे तो वो बहुत कुछ सीखते हैं, उनके आंसर्स हमको देने चाहिए और बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, ये सब आप इसमें दे सकते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित प्रगति के विकास के लिए एक खेल क्रिया आधारित क्रिया का वर्णन कीजिए। डेफिनेटली रिपीट होता है हर बारी, तो इसमें आपने सिंपल है ये क्वेश्चन 5 5 4 20, तो 5 5 मार्क्स का ईच है, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। 4 वर्षीय बच्चों में वर्गीकरण करने की योग्यता, इसके लिए आप कौन सी खेल क्रिया बताओगे? वर्गीकरण की आपको पता है, वर्गीकरण के लिए आप दे सकते हो बहुत सारी टोकरी में बहुत सारे अलग अलग आप आकृतियों के कटआउट्स दे सकते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोल सकते हैं, इस तरह की खेल क्रिया। 3 वर्षीय बच्चों के श्रवण विवेदीकरण कौशल, इसके लिए आप बहुत सारी साउंड्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप आवाज़ें निकाल सकते हैं, बच्चे से पूछ सकते हैं किसकी आवाज़ है, इस तरह से वो विवेदीकरण करेंगे अलग अलग आवाज़ों का। 2 वर्षीय बच्चों के सूक्ष्म क्रियात्मक विकास के लिए, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास के लिए आप मोतियों की माला पिरौने के लिए दे सकते हैं उनको, या फिर मटर अलग करने के लिए, है ना, इस तरह से छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करने के लिए। 5 वर्षीय बच्चों की सृजनात्मकता के लिए आप पेंटिंग सबसे बेस्ट है, तो ये दे सकते हैं करने के लिए। तो इस तरह से खेल क्रियाएँ आप सुझाएंगे, इसको लिखना है आपने प्रॉपर। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए, इसमें से आपने 10 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन लेने थे, तो ये दोनों ही बहुत आसान हैं। देखिए फर्स्ट ही आपका शालापूर केंद्र में स्थान का मूल्यांकन करते समय आप किन बातों का या पहलुओं को ध्यान में रखेंगे? तो
शाला पूर्व केंद्र के जो स्थान है उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी आती है। तो जब आप स्थान ढूंढने जाते हो शाला पूर्व केंद्र के लिए, तो वो बच्चों के घरों के नज़दीक होने चाहिए, जहाँ माता पिता जल्दी से आ जा सके कुछ भी असुविधा हो तो। स्थान आपका खुला होना चाहिए, प्रॉपर कमरा जो है खुला होना चाहिए, जिससे कि बच्चों की आपकी 25 से 30 बच्चे पूरे अच्छी तरीके से बैठ सके, बैठने वाले क्रियाएँ कर सके, और नीचे दरी पर दरी बिछाया हो सके, और खेल क्रियाएँ करने के लिए उचित स्थान होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका बाहरी खेल का मैदान होना चाहिए, जहाँ पर भारी खेल क्रियाएँ कर सके। इस तरह से आपने ये सारा कुछ देना था। माता पिता को प्रारंभिक बाल्यावस्था केंद्र की गतिविधियों में शामिल करने के तरीके, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा ईजी है, इसको भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पेपर आप देख सकें कितना आसान क्वेश्चन पेपर था, और बहुत ईजीली मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर आपको ऐसे डिफाइन, इसी तरह से जैसे आप मेन पॉइंट्स याद रहेंगे ना तो आप पूरा क्वेश्चन डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से आपका क्वेश्चन पेपर एवरी ईयर आता है, और इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो अच्छा रहा हो, यूज़फुल रहा हो। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, और सविता ट्यूटोरियल्स को सपोर्ट करें। थैंक यू।